नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष देहरिया। आशीष देहरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है सोयाबीन प्रोटीन्स पाउडर। आइए समझते हैं प्रोटीन क्या है। जिस प्रकार ईंट के बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रोटीन के बिना हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, आपकी ग्रोथ में सहायता करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, नए उत्तकों का निर्माण करता है, घाव भरने में मदद करता है, हार्मोन्स एंजाइमों के लिए अनिवार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनिवार्य है, शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। आइए समझते हैं कि प्रोटीन की हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत होती है। एक वयस्क व्यक्ति पे 1 किलोग्राम प्रतिदिन, बच्चों पे 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिला 1.75 किलोग्राम प्रतिदिन। हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनता है? ये 9 अत्यंत आवश्यक और 13 गैर आवश्यक अमीनो एसिड मिलकर शरीर में 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अंग्रेजी का पहला अक्षर ए हटाने से क्या होगा? यह सभी नाम खराब हो गए। जिस प्रकार ए के बिना हमारे नाम नहीं बन सकते, उसी प्रकार 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स के बिना शरीर में महत्वपूर्ण प्रोटीन का बनना मुश्किल है। प्रोटीन की कमी से होने वाले नुकसान। सही मात्रा में प्रोटीन ना लेने से रोज़मर्रा के कार्य करने में कठिनाई महसूस होती है। प्रोटीन की कमी के लक्षणों की बात करें तो कमजोरी और थकावट होना इसके मुख्य लक्षण हैं। प्रोटीन को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी लोगों के मन में है, जैसे ज़्यादा प्रोटीन लेने से वज़न बढ़ने लगता है और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए सामान्य आहार ही काफ़ी है। प्रोटीन के मुख्य स्रोतों की वर्तमान स्थिति। शाकाहारी लोग प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों, दालों, ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। मांसाहारी खाने वाले लोग अंडे, मछली और चिकन का सेवन करते हैं। आज के समय में जो दूध, दही या पनीर या आदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दूध, दही और पनीर से जुड़ी सच्चाई को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दही और पनीर दूध से बनाया जाता है और दूध गाय या भैंस से मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूध निकालने से पहले गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसका असर दूध में भी जा रहा है जिसे आप पी रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो चारा गाय या भैंस चरते, उसमें भी अत्यधिक केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। आज का सच ये है कि जो दूध या पनीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है, जबकि मांसाहारी खाने वाले के लिए अंडे और चिकन का उत्पादन भी इंजेक्शन द्वारा किया जा रहा है। मतलब उन्हें भी प्रोटीन के साथ साथ स्लो पॉइजन मिल रहा है। प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन हमारे बालों, त्वचा, नाखून, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि में भी प्रोटीन पाया जाता है। गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाएं, बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है। प्रोटीन से बॉडी में इसकी सबसे अधिक उपयोगिता मांसपेशियों के विकास में होती है।
प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। सोयाबीन प्रोटीन में जो कि उच्च क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स है, सोयाबीन प्रोटीन पाउडर के प्रत्येक 10 ग्राम में 8.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध है। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर में 9 अत्यावश्यक अमीनो एसिड मौजूद हैं। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर आयरन एंड कैल्शियम भी प्रदान करता है। सोयाबीन प्रोटीन हृदय फेफड़े के टिश्यूज को भी स्वस्थ रखता है। सोयाबीन प्रोटीन में मांसपेशियों व इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिलती है। शरीर का पीएच लेवल बनाए रखने में भी प्रोटीन की भूमिका काफ़ी अहम है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड सोर्स यानी PDCAAS है। PDCAAS WHO द्वारा विभिन्न फूड सोर्स से प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक है। उस मानक का मापदंड एक सबसे उच्चतम माना गया है। प्रोटीन के उपयोग हेतु सुझाव। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर डाइटरी सप्लीमेंट है। आप इसे 200 ml दूध, जूस, पानी या अपनी मनपसंद के पेय पदार्थ में एक टेबल स्पून यानी कि लगभग 10 ग्राम लेकर दिन में एक या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इच्छा अनुसार चीनी भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर टेस्टलेस है। टेस्टलेस होने का फायदा ये है कि आप इसको दूध के साथ, फलों के जूस के साथ, सब्जियों में या दालों में भी मिलाकर ले सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर ज़्यादा तापमान होने पर भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए आप इसे आटे में मिलाकर रोटियां भी बनाकर खा सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन पाउडर पूरे परिवार के लिए है। आप इसे इस्तेमाल करें और अपने शरीर को बेहतर रखें। सो दोस्तों, आपको सोयाबीन प्रोटीन पाउडर के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।